हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक्निकल परिवार में। गाइज, क्या आपने कभी सोचा है, अरे सोचने से पहले शायद आप फेसबुक चलाते होंगे। हाँ गाइज, मुझे पता है, जब आप उठते हैं, सोते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद में आप फेसबुक ही चलाते रहते होंगे। आई थिंक नई नई पोस्ट अपलोड करते होंगे, नई नई पिक्चर्स अपलोड करते हैं और उनमें लाइक्स देखते रहते हैं, कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और हर कमेंट का आप तुरंत रिप्लाई करते हैं, थैंक यू नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अगर वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी अपनी टाइमलाइन में फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो आपकी जो फ़ोटो है वो उन्हीं तक पहुँचती है जो आपके ऐप भी फ्रेंड्स हैं, और ये कभी कभी हो जाता है कि ऐप भी फ्रेंड्स के भी फ्रेंड तक पहुंच जाती है और बस उन्हीं के तक सीमित रह जाती है। आपकी पिक्चर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, उनकी ज़्यादा रीच नहीं हो पाती है। लेकिन गाइज, सोचो अगर जो आप अपनी टाइमलाइन में जो भी पिक्चर पोस्ट करते हो वो पिक्चर गूगल में भी सर्च होने लग जाए, कोई भी आपका नाम डाले और आपकी पिक्चर आने लग जाए गूगल इमेज में, यानी जहाँ पर गूगल में हम इमेज सर्च करते हैं वहाँ पर भी आपकी इमेज आने लग जाए, तो कितना अच्छा होगा कि कोई आपका नाम डालेगा, यानी सभी के पास आपकी पिक्चर चली जाएगी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अपनी फेसबुक पर जो भी पोस्ट की हुई है फोटोज़, उन फोटोज़ को गूगल में कैसे लेके आए, कैसे सर्च करवाए। हाँ गाइज, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत तक देखना और इसे अच्छे से फॉलो करिए जो मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। और गाइज, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक करना मत भूलिए गाइज, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ साथ हम कुछ और भी नया वीडियो लेकर आते हैं जिससे कि आप के हेल्प हो जाए। गाइज, यहाँ पर तीन लाइनों का एक मेन्यू बटन दिया हुआ है, इस मेन्यू बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुलेगा। आई थिंक ये जो होता है ना, एक स्लाइड खुलेगा, इस स्लाइड में आपको एक बटन ढूंढना है पेज का, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स है, ग्रुप्स है, मार्केट प्लेस, वॉच, इवेंट्स, मेमोरीज, सेव्ड पेजेज यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। अगर फिर भी पेजेज यहाँ पर बटन नहीं दिखाई दे तो यहाँ शो मोर पर, सी मोर पर क्लिक करना और यहाँ पर सारे और बाकी बटन मिल जाएंगे, लेकिन हमें पेजेज यहाँ पर, इस बटन पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट ए पेज पर क्लिक कर देना है, क्रिएट करना है हमें एक पेज क्रिएट करना है, तो क्रिएट पेज पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना बाद में, और फिर सबसे पहले अपना पेज का नाम डालिए। पेज का नाम आप ये जो पेज बनाएंगे फेसबुक पेज, तो ये हम खुद का बना रहे हैं इसलिए अपने खुद के नाम से ये पेज बना लीजिए, जैसे HS रॉक्स, मैंने ये पेज बनाना है इस नाम, ये मान लीजिए ये आपका ही नाम है, तो HS रॉक्स मैंने ये पेज का नाम सेलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। नेक्स्ट कर देते हैं, अब कुछ दो तीन चार स्टेप पूरी करनी है वो फटाफट से मैं कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले इस पेज की कैटेगरी चूज करनी है, तो ये यहाँ पर अगर हम खुद के लिए बना रहे हैं तो पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर फिर कुछ और है तो फिर वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं अपनी वेबसाइट ऐड करने को, अगर आपके पास वेबसाइट है तो ऐड कर दीजिए वरना स्किप का बटन दबा दीजिए। चलिए मैं स्किप कर देता हूँ, मेरे पास वेबसाइट नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही देखिए ये हमारा पेज बन चुका है, अब ये बोल रहा है आप यहाँ पर एक कवर लगाइए और यहाँ पर अपनी पेज की प्रोफाइल पिक्चर लगाइए। तो सबसे पहले मैं पेज की प्रोफाइल पिक्चर लगा देता हूँ, कोई भी एक अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो प्रोफाइल पिक यहाँ पर लगा दीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली मेरी प्रोफाइल पिक और यहाँ पर मैं अच्छे से इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। यहाँ सेव कर दिया मैंने और देखते हैं प्रोफाइल पिक लग जाती है, ये अपलोडिंग हो रही है हमारी पिक्चर। तो चलिए अब कुछ वेट कर लेते हैं और ये देखिए ये हमारी प्रोफाइल लग चुकी है। अब हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हमें चेंज नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब ये हमें यहाँ पर जो बैकग्राउंड, ये जो इसे बोलते हैं यानी फेसबुक कवर, ये कवर पेज लगाना है, ये सॉरी कवर फोटो लगानी है। कवर फोटो के लिए आप अपनी पहले से बना कर रख सकते हैं कवर फोटो, अगर आपको बनानी आती है, यदि नहीं आते हैं तो आप जो लगाना चाहो वो पिक लगा लेना, अगर खुद की लगाओ तो काफ़ी बेटर होगा। और मैं चलिए ये पिक लगा लेता हूँ, काफ़ी सुंदर लग रही है और मैं सेव कर लेता हूँ। और ये देखिए काफ़ी स्कूल लग रहा है, ओके ये अपलोडिंग हो रही है, मतलब जो हमने ये पिक लगाई है इस तरीके से दिखेगी लोगों को और ये अपलोडिंग हो रही है। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं और ये भी अपलोड हो चुकी है और विजिट पेज पर आप क्लिक करते हैं। अब
और गाइज ये देखिए, ये हमारा पेज तैयार हो चुका है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी फोटो पोस्ट करेंगे वो गूगल में सर्च हो सकती है। हालांकि कुछ टाइम लगेगा, धीरे 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 आपकी वो पिक ऊपर आएगी, लेकिन गूगल में ये ज़रूर सर्च होगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए अब जब भी आप फेसबुक पर फोटो अपलोड करो तो इसी पेज पर आकर अपलोड करोगे। अब वो कैसे करना है, अब इस पेज तक कैसे आओगे, जो एच एस रोक्स नाम से आपका जो पेज बना है फेसबुक पेज, उस तक कैसे आओगे। देखिए जैसे हम होम पेज में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप, जैसे शुरू से बताता हूँ मैं, जैसे आप फेसबुक खोलोगे, फेसबुक खोलने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर तीन लाइनों पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में वापस से पेजेज में जाओ। अब आपको नया पेज क्रिएट नहीं करना है, जो आपने पहले से क्रिएट किया आपके जितने भी पेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और उसी पेज पर आपको क्लिक कर देना है जिस पेज में आप पोस्ट करना चाहते हैं, अपनी फ़ोटो डालना चाहते हैं। जैसे मैंने ये अभी बनाया था, हमने ये पेज यहाँ पर है, और इसकी पोस्ट नीचे आपको शो हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हमने कोई पोस्ट की नहीं है। तो इसके लिए पोस्ट के बटन पर क्लिक करो और अपनी जो भी पोस्ट करना चाहते हो इसके लिए फ़ोटो चूज करो, फोटो में जो भी पोस्ट आप डालना चाहते हो वो रख दो। जैसे मान लीजिए मुझे एक फ़ोटो डालनी है ये वाली, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ। और यहाँ पर टैग यानी कुछ इसके बारे में टैग डाल दीजिए, टैग लाइन, और जितनी ज़्यादा लाइन डालोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी कि आपकी ये पिक जल्दी से जल्दी गूगल में रैंक हो जाए और गूगल में सबसे ऊपर शो होने लग जाए। जैसे कोई आपका नाम डालें तो गूगल में सबसे ऊपर शो हो, वो तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स यहाँ पर डालेंगे और अपने बारे में लिखेंगे। क्योंकि जब भी आप गूगल पर कुछ वर्ड डालते हैं वो वर्ड कहीं ना कहीं इन वर्डों में से मैच होकर आपकी पिक्स को वहाँ पर सेव करवाते हैं गूगल जो सर्च इंजन है इसी तरीके से काम करता है, कीवर्ड पर काम करता है। तो यहाँ पर कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा डालें और यहाँ पर शेयर कर दें। आप जैसे शेयर करोगे सिंपली बस उसी तरीके शेयर करने हैं जैसे हम टाइमलाइन में करते हैं, लेकिन हमें टाइमलाइन में ना करके यहाँ पर फेसबुक पेज पर पोस्ट करनी है। और ये पोस्ट जब आप करते रहेंगे लगातार, धीरे धीरे आपकी लाइक्स बढ़ते रहेंगे इस पेज के, तो एक दिन गूगल पर आपकी इस पेज की पिक्स शो होने लग जाएंगी। और इसमें कुछ टाइम लगेगा, बट ये श्योर हूँ कि आप जो भी पिक फेसबुक पर अपलोड करते हो अगर किसी पेज पर करोगे तो 100% आपके गूगल में पिक्स सेव होने लग जाएंगी। आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके बाय, सी यू, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अलविदा।